रहीम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टू कंट्रोल ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट टू अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ ऑन द पेज नंबर 251 चैप्टर नंबर 8 विजुअल बेसिक कॉमन कंट्रोल। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमर कंट्रोल की, उसके बाद हम लोग लाइन कंट्रोल की भी बात करेंगे। अब टाइमर कंट्रोल क्या होता है? टाइमर कंट्रोल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सब स्टेटमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि टाइमर कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जो कि कुछ टाइम के बाद कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब वो कौन से स्टेटमेंट्स हो सकते हैं कि हम लोगों ने फॉर्म का कलर चेंज करने देना है 10 सेकेंड बाद, या फिर हम लोग कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं 5 मिनट के बाद। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम लोग टाइमर कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल होता है ये वर्क करता है बैकग्राउंड पे, और ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, या फिर ये आप लोगों को डिस्प्ले नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टाइमर कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटरवल, यानी कि हम कितने मिली सेकेंड्स का इंटरवल रखना चाहते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स आफ्टर विच द इवेंट प्रोसीजर ऑफ द टाइमर विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि मतलब कि कितने मिली सेकेंड बाद आप कोई इवेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये हमें इंटरवल ही बताता है। ठीक है, और इंटरवल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 65535 तक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनेबल्ड। एनेबल्ड का क्या मतलब है? अगर तो ये एक बुलियन प्रॉपर्टी है, अगर तो हम इसको ट्रू सेट कर देंगे, इट्स मीन के टाइमर इवेंट जो है वो स्पेसिफिकली कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूट करना कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे तो वो हो जाएगा डिसेबल। ठीक है, और टाइमर जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इवेंट्स की जो कि एसोसिएट करते हैं टाइमर कंट्रोल से। ठीक है, इवेंट में एक ही इवेंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है टाइमर का। ठीक है, टाइमर इवेंट किस लिए यूज़ करते हैं? ये इवेंट तब किया जाता है आफ्टर स्पेसिफाइड मिली सेकेंड इन द इंटरवल प्रॉपर्टी। ये उस मिली सेकेंड्स के बाद ये इवेंट अकर होगा जो कि हम लोगों ने इंटरवल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफाई की होगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि इंटरवल प्रॉपर्टी में जितने मिली सेकेंड दिए होंगे उस मिली सेकेंड के गुजरने के बाद ये इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इस इवेंट को अकर करने के लिए या फिर ये टाइमर कंट्रोल को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए आप लोगों को एक एग्जांपल दी गई है विच इज़ ऑन द पेज नंबर 252 प्रोग्राम नंबर 8.22। इसमें होगा क्या कि राइट अ प्रोग्राम डेट यूजेस टू टाइमर्स। दो टाइमर्स लगाने हैं आपने, वन टाइमर आना चाहिए। वन टाइमर यूज़ टू डिस्प्ले द करंट टाइम। एक जो पहला टाइमर आप लगाएंगे वो करंट टाइम को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो सेकंड टाइमर लगाएंगे वो एक स्क्रॉलिंग मैसेज को फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है, इस तरह का फॉर्म आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद दो लेबल्स लगा देने हैं। दो लेबल्स लगाने के साथ साथ आपने दो टाइमर्स भी लगा देने हैं फॉर्म के ऊपर। ठीक है, वो टाइमर्स और लेबल्स आप लोगों को टूल बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो लेबल होगा उसके साइज़ सेट कर देना है 14, और जो लेबल 2 होगा, ठीक है, उसका कैप्शन चेंज कर देना है। उसका कैप्शन चेंज करके आपने रख देना है IT सीरीज़। ठीक है, और सेट द इंटरवल प्रॉपर्टी ऑफ टाइमर 1 एंड टाइमर 2 टू 1। यानी कि कितने का इंटरवल हमने रखा है? 1 का इंटरवल रखना है आफ्टर फॉलोइंग द कोड इन द टाइमर इवेंट ऑफ टाइमर 1। यानी कि टाइमर इवेंट के जो हम लोगों के पास कोड विंडो होगी टाइमर 1 की, उसको डबल क्लिक करने से आप लोगों के पास वो कोड विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि कैप्शन जो लेबल 1 है उसका कैप्शन चेंज कर देना है। उसका चेंज करके हमने क्या रखना है, लेबल 1 की जगह पर हम लोग टाइम डिस्प्ले करना चाहते हैं करंटली जो अभी टाइम अवेलेबल है। ठीक है, और इस टाइमर की मदद से अब, और दूसरा जो हमारे पास क्या है कि दूसरा टाइमर है उसकी कोड विंडो में हमने क्या लिखना है कि हम लोग स्वाइप करना चाहते हैं इस मैसेज को नेक्स्ट। यानी कि IT सीरीज़ जो मैसेज है ये पहले राइट साइड आपके सॉरी लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड से वो वन बाय वन करके एक एक स्टेप लेके वो स्वाइप करेगा टूवर्ड द राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये स्वाइप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस
टाइमर को, ठीक है। और इस टाइमर के कोड को यूज़ करेंगे। अब इस कोड के अंदर क्या है, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें। क्या है कि अगर तो हमारी जो करंट पोजीशन है -1000 से कम है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको स्वाइप कर देना है 5000, मतलब एक लेफ्ट साइड पे 5000 तक उसको स्वाइप कर देना है, ठीक है। और फिर इसी तरह से स्वाइप करते जाना है, ठीक है। और अगर ये जो सी कंडीशन है ये फॉल्स है, तो हम लोग इसको किस साइड पे स्वाइप करेंगे, -10 करेंगे, यानी कि उसको नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे हम लोग, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का ये टाइमर जो कंट्रोल है वर्क करता है, ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। इसके बाद आप लोगों के पास एक और एग्जांपल है टाइमर के लिहाज से 8.23, ये आप लोगों ने कर लेनी है, अंडरस्टैंड करनी है, कोशिश करनी है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है एक और कंट्रोल, जो कि है पेज नंबर 255 पे, ठीक है। लाइन कंट्रोल, लाइन कंट्रोल क्या करता है, लाइन कंट्रोल इज़ यूज टू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस ऑन द फॉर्म। यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ लाइन बाय यूजिंग बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर, ऐसे आप लोगों को बॉर्डर विड्थ के नाम से नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके चेंज करके आप लोग इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह से हम लोग लाइन कंट्रोल का यूज़